हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। जब तक हिंदुस्तान में सिनेमा है, लोग चूतिए बनते रहेंगे और हमारा काम है लोगों को अट्रैक्ट करना इस चूतियापा के लिए। आज बात करेंगे 83 मूवी के ट्रेलर के बारे में, जो कि फाइनली रिलीज हो चुका है। ट्रेलर देखकर मुझे कैसा लगा वो भी मैं बताऊंगा, और साथ साथ पब्लिक को कैसा लगेगा वो भी बताऊंगा। हालांकि जो मेरा ओपिनियन है उससे लोग सहमत नहीं होंगे, तो सबसे पहला मैं मेरा ओपिनियन ही देता हूँ कि यार इस तरह की मूवीज हम लोग कितनी बार देखेंगे। मतलब बॉलीवुड के बाद अब कुछ रहा नहीं है, या तो वो लोग बायोपिक बना रहे हैं या तो फिर वो लोग रिमिक बना रहे हैं। बायोपिक चलो सरदार उधम सिंह जैसी हो तो फिर भी अच्छे लगे, लेकिन यार क्रिकेटर्स पर या इंडियन टीम पर कितनी बार बनाओगे बायोपिक। MS धोनी हमने देखे है, अच्छी थी, मजा आ गया, लेकिन अब 83 क्यों देखे। और यकीन मानो ट्रेलर में उन लोगों ने पूरी मूवी बता दी है, यानी कि मूवी में हमें स्टार्ट में ये भी पता चलेगा कि कैसे हमारी इंडियन टीम अंडरडॉग थी और वहाँ के गोरे लोगों को या हमारे जो इंडिया की पब्लिक है उनको भी यकीन नहीं था कि हमारी टीम वर्ल्ड कप जीत सकती, इवन एक मैच भी जीत सकती है। ये चीज़ हमने ट्रेलर में देख ली। उसके बाद ट्रेलर में हमें ये भी पता चल गया कि भाई जो इमोशन लेवल होने वाला मूवी का वो बहुत ही ज़्यादा हाई होने वाला है। उसके अलावा मूवी काफ़ी ज़्यादा क्रिकेटर्स, यंग क्रिकेटर्स को इंस्पायर कर सकती है या कुछ लोगों को भी इंस्पायर कर सकती है। और अब कैसी मूवी ही रहेगी लोगों को इंस्पायर करने के लिए। खैर उसके अलावा हमें फाइनल जो वर्ल्ड कप का जो मैच था जहां पर हमारी टीम इंडिया ने वेस्ट इंडीज को हराया था वो मैच भी देखने में मिल गया। उस मैच के सारे रोमांच भी देखने में मिल गए। मैच के बाद हमारे कपिल देव यानी कि रणवीर सिंह क्या करेंगे वो भी देखने को मिल गया, और पंकज त्रिपाठी क्या कर रहे हैं वो भी देखने को मिल गया। यानी कि सीधी सीधी बात कहूँ तो पूरे ट्रेलर में इनफैक्ट उन्होंने 2 घंटे की मूवी दिखा दी है। तो उसके अलावा थिएटर में क्या देखने जाओगे वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने पूरी की पूरी मूवी इंजॉय कर लिया। खैर मैं इस तरह की मूवीज को अब दोबारा देखना नहीं चाहता, क्योंकि मैं ऐसा सोचता हूँ कि बॉलीवुड जो कि वर्ल्ड में इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री, तो ये लोग कुछ नया क्यों नहीं ट्राई करते यार, ये बार बार बायोपिक्स या बार बार रिमिक्स क्यों। अभी यार फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि कोरियन इंडस्ट्री जो कि नेटफ्लिक्स पर एक से बढ़कर एक सीरीज बना रही, चाहे वो किंगडम हो, चाहे वो स्क्विड गेम हो, चाहे वो हेल बाउंड हो, तो यार जब कोरियन इंडस्ट्री कर सकती है, जबकि कोरियन इंडस्ट्री को हमारे इंडिया में कुछ ही लोग देखते हैं। अभी तो बहुत ज़्यादा लोग देखने लगे, स्पेशली यंगस्टर लोग देखने लगे, लेकिन अगर आप लोग 5 साल 6 साल पहले पूछो तो किसी को भी नहीं पता था कोरियन इंडस्ट्री के बारे में कि वो लोग ऐसे धमाकेदार सीरीज और मूवीज बनाते हैं। तो आप सोचो कि बॉलीवुड कितना ज़्यादा पीछे है, क्यों? क्योंकि ऑडियंस चूतिया है, उनको इसी तरीके की मूवीज़ देखना पसंद है। यार कितनी बार देखोगे। खैर ये तो मेरा ओपिनियन था कि यार मैं इस तरीके की मूवीज़ अब दोबारा देखना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी ऑडियंस के लिए देखना पड़ेगा। लेकिन अगर ऑडियंस के रिएक्शन की बात करूँ तो ट्रेलर ब्लॉकबस्टर है। रणवीर सिंह अपने हर कैरेक्टर में ऐसा घुस जाते हैं भाई, जैसे कि कॉन्डम तो रणवीर सिंह ने बहुत ही गजब का परफॉर्मेंस किया, और जो दूसरे सपोर्टिंग एक्टर्स हैं सब लोग अपने हिस्से में बहुत ही शानदार लग रहे हैं। मूवी कम यह मुझे बहुत ही गजब स्पूफ लगा, बहुत ही अच्छा लगा। जो मेकअप आर्टिस्ट उन लोगों ने जो वीक लगाई है, मतलब एक उस एरा में हमको वापस लेके चले गए ट्रेलर के थ्रू। और यार मूवी में हर एक चीज़ है जो एक इंडियन ऑडियंस चाहता है, रोमांच, इमोशंस, देशभक्ति वाली फीलिंग, यानी कि वो सब कुछ जो इस तरीके की बायोपिक में होना चाहिए। और BGM भी तगड़ा लगा मुझे, और उसके अलावा पंकज त्रिपाठी जो कि सबके चहेते हैं। मैं यहाँ पर दीपिका पादुकोण का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि वो यहाँ पर कैमियो के लिए है, तो उसका नाम ना ले तो ज्यादा बेटर रहेगा। आप लोगों को पसंद है तो चलो नाम ले लेता हूँ कि दीपिका पादुकोण भी अपने वो जो मेकओवर जबरदस्त लग रही है। तो ओवरऑल कबीर खान ने एक अच्छी मूवी बनाई है जो ऑडियंस को बहुत ही अच्छी लगेगी, उनका बहुत अच्छा चूतिया, बहुत ही गजब का उसका टाइम पास भी होगा, और ब्लॉकबस्टर तो डेफिनेटली होगी। अब देखना है कि 24 दिसंबर को ये मूवी क्या बॉल मचाती है। मुझे पता मूवी बॉल मचेगी, क्योंकि हमारे इंडिया में ऐसी ऑडियंस है जो इस तरीके की मूवीज देखना पसंद करती है। तो अब कमेंट सेक्शन में आप लोग गाली दो या तारीफ करो या आप अपना ओपिनियन शेयर करो, मुझे फर्क पड़ता है, लेकिन नहीं भी पड़ता है, क्योंकि अच्छी चीज़ बोलोगे तो चलो अच्छा लगता है, लेकिन जब बुरी चीज़ बोलोगे तो मुझे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। तो यार बस इस वीडियो में इतना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, नहीं अच्छा लगा तो आप लोगों की मर्जी। और अगर जो मेरे चंद जो चाहिए जिन लोग मेरे वीडियोज़ देखना पसंद करते, तो यार ये मेरा अपना ओपिनियन था इस पर्टिकुलर मूवी के ट्रेलर के बारे में, तो उसके लिए नाराज़ मत होना, कभी कभी सच बोलना बहुत ज़रूरी होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।